कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सुरजेवाला के एक बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और सुरजेवाला की हेमा मालिनी पर की गई विवादित टिप्पणी पर मोर्चा खुद सीएम योगी ने संभाल लिया है। मौका था मथुरा से हेमा मालिनी के नामांकन का और सीएम योगी ने जनसभा में कांग्रेस नेता के बयान पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस को कला की इज्जत करना नहीं आता और मथुरा का कला से पुराना नाता है। तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढी हुई नहीं मिल रहा है। उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं, लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। आइए अब आपको सुनवाते हैं कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने मथुरा से सांसद हेमा मालिनी के बारे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा में आखिर क्या कहा। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो के लिए बनाते होंगे, फिल्म स्टार तो है नहीं। हेमा मालिनी ने भी सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें याद रखना चाहिए टिप्पणी उन्हीं पर होती है जिनका नाम होता है और कांग्रेस नेता को पीएम मोदी से सीखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। नहीं, उनका काम है कहना, है ना। विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे। तो ठीक है, उसको हमें काउंटर अटैक करना जरूरी होता है, लेकिन सब प्यार से सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। सो मेरे साथ सब दे रहे हैं, मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही है। कांग्रेस महासचिव के विवादित बयान के बाद कांग्रेस नेता किसी भी टिप्पणी करने से बच रहे हैं और वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे मुद्दा बना लिया है और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर कांग्रेस को घेर रहे हैं।